इंदिरा विकास संकल्प यात्रा पहुंची गांधीनगर। हल्द्वानी विधानसभा के वार्ड नंबर 27 गांधीनगर में आज कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और हल्द्वानी विधानसभा से संभावित दावेदार सुमित हृदयेश ने इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत वार्ड नंबर 27 के गांधीनगर पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में शामिल स्थानीय लोगों ने सुमित हृदयेश का फूल मालाओं से स्वागत किया और दिवंगत नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश को याद किया। तो वहीं सुमित हृदयेश का कहना है कि दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी विधानसभा का समग्र धरातलीय विकास कार्यों को कर्मठता से किया, तो वहीं उन्होंने विकास को लेकर विधानसभा के सभी लोगों को वीरता देने की बात कही। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भविष्य में स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों को वे उन्हीं की कार्यशैली में आगे बढ़ाने का अपना संकल्प जारी रखेंगे। जहां उन्होंने भाजपा पर छल की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से चुनाव के समय में हल्द्वानी आकर 2000 करोड़ देने की घोषणा की है, यह सब भाजपा के चुनावी हथकंडे हैं। यदि हल्द्वानी का विकास केंद्र सरकार को करना ही था तो 5 साल पहले उन्होंने हल्द्वानी के शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ की धनराशि पहले ही दे देनी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा पर पोस्टर और बैनर से विकास करने का आरोप लगाया। हमें जनता के बीच में जाके हम यही बात बोल रहे हैं कि जिन तौर तरीकों से, जिस प्रकार से, जिस निष्ठा भाव के साथ और समर्पण के साथ इंदिरा जी ने अपने जीवन में कार्य करे लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, हम वही प्रतिज्ञा और वही संकल्प हर जगह जाके ले रहे हैं कि इन कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो शैली थी उसी शैली में कार्य भी करेंगे। जनता तो बहुत ज़्यादा विश्वास करती भी है और जनता ने कार्य भी देखे और जनता आज याद कर रही है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी को, उनके कार्यों को। जिस प्रकार से शहर का कोना कोना उन्होंने चमकाया, जिस प्रकार से बेबाकी के साथ उन्होंने जनता की समस्याओं को, उनका हल निकालने का प्रयास करा और जिस स्पष्ट तरीके से और एक सोच के साथ उन्होंने काम करे, आज अवश्य जनता उनको याद भी कर रही है और ऐसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना भी चाह रही है जो इस तरीके से, उस सलीके से कार्य कर सके और बिना पक्षपात के और दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है वो हर क्षेत्र जो जहाँ से वो चुना गया है उस क्षेत्र के लिए उसे बराबर कार्य करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं असंतुलन है, कुछ कुछ जगह विशेष व्यक्ति विशेषों के लिए कार्य हुआ है और जो संपूर्ण कार्य एक जनप्रतिनिधि को करना था वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं, भाजपा तो देखिए छल और प्रपंच और इसके अलावा उनको आता क्या है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए, 2000 करोड़ उन्होंने बोल दिया। वो 2017 में आए थे, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार, तो इन्हीं 5 वर्षों में दे देते 2000 करोड़ हल्द्वानी को। यहाँ भी सब ऐसा स्वर्ण नगरी बन जाती है, इसी को क्योटो बना देते, यही हल्द्वानी क्या पता क्योटो बन जाए। इंदिरा जी ने तो हल्द्वानी का देखिए विकास करा है, इंदिरा जी ने ज़मीनी विकास करा है, कांग्रेस ने ज़मीनी विकास करा है, कांग्रेस ने ऐसे कार्य करे जो ज़मीन पे दिखते हैं। अब भाषणों में और घोषणाओं में, पोस्टरों में, बैनरों में इस प्रकार का छल भारतीय जनता पार्टी को बेहतर आता है।